हेलो, आई एम बैक विद अनदर वीडियो और आज हम बात करेंगे लर्नर्स लाइसेंस के बारे में। तो मेरे भाई को बनवाना था और मुझे पता लगा कि आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने पूरा प्रोसेस नोट डाउन किया और मैंने सोचा आई शुड शेयर विद यू गाइस आल्सो। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले www.parivahan.gov.in पर चले जाओ और ड्राइवर्स लर्नर्स लाइसेंस पर क्लिक कर लो। एक नया टैब ओपन होगा जिसमें आपको अपना स्टेट चूज करना है और अगर कोई पॉपअप आए तो उसको स्किप कर लेना। अब नेक्स्ट एक ऑप्शन आएगा अप्लाई फॉर लर्नर्स लाइसेंस, इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको एक कैटेगरी चूज कर लेना है, मैंने यहाँ पे जनरल चूज किया है और उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर लेना। अब नेक्स्ट दो ऑप्शन दिखाई देंगे, आधार ऑथेंटिकेशन एंड विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन। अगर आपने विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन चूज किया तो आपको आरटीओ ऑफिस जाना पड़ेगा, तो दैट्स व्हाई हम आधार ऑथेंटिकेशन वाला ऑप्शन चूज करेंगे। अब आधार सिलेक्ट कर लो और आधार नंबर फिल कर दो। इसके बाद ओटीपी फिल करो, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा और आगे जो तीन कंडीशंस दिए हैं उन पर टिक कर लेना। उसके बाद ऑथेंटिकेट पर आपको क्लिक करना है। अब नेक्स्ट टैब में जितने भी डिटेल्स हैं वो ऑटो फिल होकर आएंगे, तो कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको प्रोसीड करना है और एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, उसमें आपको ओके कर लेना है। अब यहाँ डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले जेंडर फिल कर लो, DOB, प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, ब्लड ग्रुप, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर जो आपके आधार के साथ रजिस्टर्ड है, इमरजेंसी मोबाइल नंबर, ये सारी डिटेल्स फिल कर लेनी है। ऊपर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स सेक्शन को स्किप कर दो और प्रेजेंट एड्रेस पर आ जाओ। इसमें सबसे पहले अपना स्टेट फिल कर लो, डिस्ट्रिक्ट फिल कर लो, तहसील फिल करो, विलेज या टाउन सिलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद डिटेल्स फिल कर दो। ये सब फिल करने के बाद नीचे एक ऑप्शन होगा ड्यूरेशन ऑफ स्टे एट प्रेजेंट एड्रेस, उसको मंथ्स और इयर्स में सिलेक्ट कर लो। अब स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है और ड्राइविंग लाइसेंस टाइप सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने फोर व्हीलर के लिए किया है तो मैं LMV मतलब लाइट मोटर व्हीकल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूंगी। अब नीचे दो ऑप्शंस होंगे, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। अगर आपका लाइसेंस कभी डिस्क्वालिफाई हुआ है तो टिक करना है और अगर आपने अपना ड्राइविंग स्कूल से ट्रेनिंग ली है तो उसमें भी आपको टिक करना है। दोनों केसेस में आप बॉक्सेस को टिक कर सकते हो। अब सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना होगा, उस पे क्लिक कर लो। जो भी क्वेश्चंस दिए हैं उन्हें अपनी फिजिकल फिटनेस के अकॉर्डिंग यस और नो करते जाओ और उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर। अब डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा, उसके बाद बैक पर क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट एक ऑप्शन आएगा, उस पे टिक कर दो इफ यू वांट टू डोनेट ऑर्गन्स इन केस ऑफ एक्सीडेंट। एक और ऑप्शन आएगा नीचे जिसका मतलब है दैट द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव गिवन अबव इज करेक्ट, उसमें भी एक बॉक्स आएगा, उस पे टिक कर लो। सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट है तो ओके पर क्लिक कर लो और उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर लो। इसके बाद आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, उसको स्क्रीनशॉट करके रख लो। इसके बाद फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा, उसके बाद प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। अपलोड करने के बाद अपलोड फाइल्स एंड व्यू पर क्लिक करना है, इसके बाद सेव फोटो एंड सिग्नेचर पर क्लिक करना है और इसके बाद नेक्स्ट पर। इसके बाद फी पेमेंट का ऑप्शन आएगा, इसमें आपको 200 रुपीज डिपॉजिट करने पड़ेंगे, 150 फॉर योर लर्नर्स लाइसेंस एंड 50 रुपीज फॉर योर LL टेस्ट। इसके बाद बस आपको अपने डिटेल्स फिल करने हैं और पेमेंट का प्रोसेस पूरा करना है। इसके बाद आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हो ऑनलाइन टेस्ट के लिए। नाउ वन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सो दिस सर्विस इज नॉट अवेलेबल इन एवरी स्टेट। आपको ये ऑनलाइन जाके चेक करना पड़ेगा कि आपके स्टेट में सर्विस अवेलेबल है या नहीं। बाकी प्रोसेस ट्राई करो और बताओ मुझे कॉमेंट सेक्शन में अगर यूजफुल लगा हो, एंड कीप फॉलोइंग अस फॉर मोर सच कॉन्टेंट।